नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। मकसूदनगढ़ पुलिस द्वारा सीमाओं पर की जा रही वाहनों की चेकिंग के चलते मकसूदनगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बैरसिया से गुना जिले की ग्राम पंचायत फेकरा जा रही एसयूवी कार से चार लोगों से पुलिस को मिली 8,10,000 रुपए नकदी। इस सारी कार्रवाई को मकसूदनगढ़ तहसीलदार पुलिस प्रशासन ने मिलकर अंजाम दिया। कार में सवार चार लोगों से पूछताछ में पता चला कि वो बेटी की शादी के लिए बैरसिया बैंक से 8,10,000 रुपए निकालकर फेकरा गांव जा रहे थे। उधर मकसूदनगढ़ पुलिस ने 8,10,000 रुपए जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर एसयूवी कार पर लगे भाजपा के लोगों से पुलिस इस मामले को और गंभीरता से देखते हुए मामले की जांच कर रही है। कहीं ये रुपया आने वाले चुनाव में उपयोग होने तो नहीं जा रहा था। अब देखना ये होगा कि 8,10,000 रुपए की कार्रवाई में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पुलिस द्वारा 8,10,000 रुपया जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये मांसखेड़ी चेक पोस्ट है एसएसटी का। यहाँ शाम को एक सामूहिक चेकिंग चल रही थी। हम लोग तहसीलदार साहब भी थे साथ में, एसएसटी टीम भी थी साथ में। तो इसके द्वारा जब चेकिंग के दौरान एक गाड़ी जो है MP04CU0935 TUV300 थी, इसको रखकर चेक करा गया। तो इसमें राजेंद्र सिंह मिले तो जामनेर के पास के गांव के थे, उनके पास लगभग 8,10,000 रुपए नकद मिले हैं। उसको एसएसटी टीम के माध्यम से के द्वारा चेक करा गया है, जब्त किया गया है। ये कहां से ला रहा है, कुछ पता चला सर? इनके द्वारा ये बताया गया कि बैरसिया एसजीओसी बैंक के से इनके द्वारा लिया गया है। और इसके बारे में उन्होंने जो बताया है कि शायद बेटी की शादी के लिए लिया गया, तो इसकी जांच तो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण जो टीम बनी हुई वो करेंगे। सर, गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में तीन लोग थे, ड्राइवर सहित चार लोग थे। और इनके द्वारा 8,10,000 रुपए के विषय में हम लोगों को जो जानकारी दी गई है उसकी जाँच के लिए उन्होंने प्रतिवेदन बना के तहसीलदार साहब के माध्यम से भेज दिया है वरिष्ठ अधिकारियों को, और जाँच के उपरांत विधि वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप ये रुपए पकड़े हैं, ये आप कहाँ से लाए थे और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये बैरसिया जी, इतनी बड़ी रकम आपने किस काम के लिए निकलवाई थी? बच्ची की शादी। तो ये आप कहाँ से कहाँ पे कहाँ रहते हो, कहाँ के निवासी हो, कहाँ जा रहे थे? निवासी है फेकरा, पीला घाटा के पास फेकरा। बच्ची की नाम क्या है? शादी कहाँ पर हुई थी बच्ची? शादी कब है और बच्ची की आपकी? 22। ये कितने रुपए हैं टोटल? 8,10,000। ये आप बैंक से निकलवा के ला रहे थे? कितने लोग थे आप कार में? कार में 4 लोग। कौन सी बैंक से ला रहे थे आप? HDFC की जगह। बुना फतेहगढ़ स्टेट हाईवे पर सामरसिंगा का तालाब की पुलिया में गिरा ट्राला। घटना रात के समय की है, जब एक ट्राला राजस्थान फतेहगढ़ की तरफ से गुना की ओर जा रहा था, जो सामरसिंगा के तालाब की पुलिया चिलका गांव के पास गिर गया। बरसात के समय से ही पुलिया क्षतिग्रस्त थी। इस पर विभाग ने MPDRC द्वारा पत्थरों से सेफ्टी दीवार बनाकर थाना पूर्ति कर दी। रात के समय में वाहन चालकों को इस सेफ्टी दीवार दिखाई नहीं देती, जो खतरनाक है। वहीं सामने से आ रहे वाहन को क्रॉस करने के चक्कर में ट्राला चालक ने गाड़ी साइड में ली तो ट्राला पुलिया में जा गिरा। गनीमत रही कि ट्राला चालक चोटें आई हैं। छत्तीसगढ़ खतरनाक पुलिया वाहन चालकों के लिए मौत का कारण भी बन सकती थी। बुना फतेहगढ़ स्टेट हाईवे मार्ग से बमोरी फतेहगढ़ राजस्थान के नाहरगढ़ तक के क्षेत्र में 2 दर्जन के आसपास यात्री बसें दौड़ती हैं। समय रहते पुलिया की मरम्मत नहीं की गई तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है।
पंचायत बमोरी तहसील में सरकारी विभाग दे रहे गंदगी को निमंत्रण। समस्या परे है कि जब सरकारी विभाग में ही इतनी गंदगी मौजूद है तो स्वच्छ भारत कहां से बनेगा। बमोरी के लोक सेवा केंद्र के मुख्य गेट पर ही इतनी गंदगी है कि लोग खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन इसकी कोई भी साफ सफाई नहीं की जाती। यहाँ बीमारियों का मेला लगा हुआ है और पूरी बमोरी बस्ती का गंदा पानी बह के लोक सेवा केंद्र के गेट पे आकर रुक जाता है, जहाँ पानी रुकने के कारण डेंगू और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन ना तो पंचायत की ओर से कोई ध्यान दिया जाता है और ना ही सरकारी विभाग कोई ध्यान देता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया गया, जिसमें सुबह करीब 7:30 बजे जस्तम चौराहे से प्रारंभ हुई रन फॉर यूनिटी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। क्राइस्ट स्कूल में आयोजित की गई रन फॉर यूनिटी। शहर के क्राइस्ट स्कूल में आज रन फॉर यूनिटी के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को भारत की एकता और अखंडता के बारे में बताया गया, साथ ही भारत को कैसे मजबूत किया जाए इस बारे में भी बताया गया। इस मौके पर क्राइस्ट स्कूल के स्टाफ सहित सभी छात्र मौजूद रहे। On the day of the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel on 31st October 2018. I would like to bring your notice the contribution of Sardar Vallabhbhai Patel for the national unity. So Sardar Vallabhbhai Patel, a strong and ambitious leader, a skilled and pragmatic politician, with a mission and mission. Being the first Deputy Prime Minister and the Home Minister of our nation. आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर हमने बच्चों को जो कार्यक्रम करवाए थे वो राष्ट्रीय एकता के यूनिटी के आधार पर, जो एकता के आधार पर हमने दौड़ लगवाए और वाद फेरी के आधार पर हमने बच्चों को जो कार्यक्रम करवाए और ग्राउंड में सारे बच्चों को एकत्र करके बच्चों को उसके मुख्य बिंदुओं पर बच्चों को समझाया कि किस तरीके से हमारे देश में शांति लाने के लिए, शांति के महत्व को समझाते हुए एकता के आधार मूल्यों के ऊपर बच्चों को समझाया।
एबी रोड पर एक्सीडेंट में हुए 3 लोग घायल। आपको बता दें कि विकास नगर रोड पर चिंताहरण मंदिर की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल सवार को एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कि मोटरसाइकिल सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया। जी अपने उधर से आ रहे थे, अपन चिंताहरण तरफ से, तो उधर से आए तो उधर से वो अपनी ये विकास नगर वाला ये रोड है ना, उधर से वो आ रहा था, हम इधर से जा रहे थे, तो वो स्पीड में था, हम उधर से आ रहे तो हमने टक्कर मार दी। तो कितने लोग घायल हुए आप? वो हम मेरे 3 बच्चे थे, पापा थे और मैं। कहाँ के रहने वाले? बमूरी बोले। खेल विभाग द्वारा स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों पर शुल्क लगाए जाने के विरोध में शहर के गणमान्य नागरिकों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि खिलाड़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। वहीं गुना जिला एक ऐसा जिला है जहां सुविधा शुल्क के नाम पर खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों से शुल्क वसूला जा रहा है। स्टेडियम आपका नहीं किसी के बाप का, स्टेडियम आपका नहीं किसी के बाप का। कैंट रोड स्थित कैंची बीड़ी कारखाने के पास अज्ञात वाहन ने मारी युवक को टक्कर। आज दोपहर कैंट रोड स्थित कैंची कारखाने के पास तेज रफ्तार से आ रहे फोर व्हीलर ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं युवक को उठाने की बजाय वाहन सवारों ने घायल युवक के साथ मारपीट भी की और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मानी मानी की पूछ ले अपनी यही बात है, अगर नहीं पूछ के वैसे नहीं। डॉक्टर साहब दारू पी है तो वो बहुत तेज बोला नहीं है तेरे इतनी स्पीड में हम होते कोई नहीं वो तो मेरी गाड़ी में धड़ा धीरे आ रहा हूँ दोनों साइड आ रहा हूँ मेरी गाड़ी दोनों साइड ही पड़ी बाद में दोनों साइड ही पड़ी कोई सी गाड़ी नहीं है और वो कोड है थी कोड मोबाइल चालू है ना जेएमडी के पास में दरगाह के सामने खींचकर खाने के बाद क्या कल किससे हुआ वेट आ रही थी रॉन्ग साइड में ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था वो बहुत स्पीड में था गाड़ी नहीं दिखी एकदम से अचानक से बढ़ा दी मेरे में कितने बजे घटना है अभी आधे घंटे पहले तो गाड़ी वाला भाग गया भाग गया वो गाड़ी उठा के गाड़ी से बाहर निकल के मुझे उठाया तो नहीं वो मारने लग गया बोला नखरे कर रहा है उसकी गाड़ी पे नंबर नहीं थे। कुसमौदा में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज कुसमौदा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता रैली में कलश यात्रा निकाली गई, जिसके माध्यम से मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने के बारे में जानकारी दी गई। आपके वोट में ऐसी क्षमता एक वोट से देश बदलता पहले जाना पोलिंग बूथ बाद में आना रेस से दूर पहले जाना पोलिंग बूथ बाद में आना रेस से दूर एक वोट से देश मकसूदनगढ़ में चाचौड़ा विधायक ममता मीना ने किया मकसूदनगढ़ में बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ। चाचौड़ा विधायक ममता मीना ने भोपाल रोड से डोर नगाड़ों के साथ रोड शो किया, जो कि मुख्य चौराहे से होते हुए सोठालिया रोड बीजेपी कार्यालय पहुंचा। यहां पर चाचौड़ा विधायक ममता मीना ने बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। Thank you.
द्वारा निकाली गई रन फॉर यूनिटी रैली में बनी विवाद की स्थिति। आज भार्गव कॉलोनी से भाजपा द्वारा निकाली गई रन फॉर यूनिटी की रैली में पुलिस प्रशासन व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति बन गई। भाजपा का झंडा निकालने को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। यह स्थिति थोड़ी देर ही रही जिसके बाद यह रैली निकली, लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि जब कोर्ट द्वारा राजनीतिक पार्टियों की रैली में बच्चों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो प्रशासन ने एक राजनीतिक दल को बच्चों के साथ रैली निकालने की मंजूरी कैसे दे दी? क्लियर हो जाएगा, देखो हमें कोई वो नहीं है, क्लियर हो जाएगा भाई। बीजेपी आयोजन है तो बीजेपी की बात नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? ले आयोजन रहेगा। अगर अपने माननीय अमित शाह जी आते हैं, अपने मुख्यमंत्री साहब आते हैं तो परमिशन तो है, हम ये नहीं कह रहे इसकी अनुमति दी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक ग्रुप या प्रचार के लिए मंच के उपयोग नहीं किया जा रहा है। झंडा झंडा नहीं लगा सकते साहब आप, के लिए सुनो आप लगा दो आप आप सिविल में आ जाओगे बिल्कुल सामान्य व्यवहार हो, ये है ना आपका ड्रेस कोड है ना, भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे आप अनुमति दे रहे हो, भाजपा का झंडा नहीं लगाएंगे तो क्या करें? और वो भी इसमें कहीं नहीं लिखा है यार कि झंडा नहीं लगाओ, आप इसमें लिखा हो तो बताओ। मंच का उपयोग मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मंच के राजनीतिक, अरे राजनीतिक ग्रुप ने अनुमति तो राजनीति की दी है भाई, आपने लिखा तो है भाजपा, आपने उसमें अनुमति हनुमान मंदिर पर कथा करने की तो दी, उसमें क्या लिखा है? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जुलूस निकालेगा, बस तो फिर भाजपा का झंडा नहीं लगेगा उसकी बात है, सामान्य ज्ञान की इसमें आप, अरे अदरवाइज मैं नहीं ले रहा हूँ, आप ले रहे हो, इसको सामान्य ज्ञान की बात है भाई, इसमें झंडा तो झंडे की जगह लगेगा। आपको मैंने बता दिया इतना भी, आप भी समझो ना, ये सामान्य छोटी है, हम तो समझ रहे हो, हमने जो चीज हमें लगी हमने बता, अरे वो तो हरेक में लिखा है उन्होंने, पहले की अनुमतियाँ भी मैं बता दूंगा, उनमें भी ऐसे ही लिखा है, ये पॉइंट कॉमन है जो ना उनके पास छुपा हुआ है। हेलो आगे पुलिस प्रशासन ने रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई तहसील के गांव सिरसी बारौद के मध्य रास्ते में रात 11 बजे रेत माफियाओं पर पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। यहां पर कई रेत से भरे डंपर खड़े हुए थे। जब प्रशासन के द्वारा इन डंपरों पर कार्रवाई शुरू की गई तो चालक मौके से भाग खड़े हुए। प्रशासन ने कई डंपर मौके से ही पकड़ लिए, वहीं कुछ डंपर चालक मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। डंपरों को आरोन थाने में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें तीन ट्रैक्टरों में बजरी भरी थी, एक ट्रैक्टर में मिट्टी भरा हुआ था, वहीं एक बड़े डंपर पर कार्रवाई की गई। Thank you.
आपका नाम क्या भैया? नाम क्या है? मैं साहब ड्राइवर नहीं ना, चला खिला। आप कहाँ से लाए? पकड़ कहाँ से लाई? ये तो बताओ। सिरसी। सिरसी सच? क्या है इसमें, मिट्टी है? क्या बस हुआ है? देखो मेहनत करी मिल गई कामयाबी। हाँ पटवारी ले लेके आ रहे हैं ट्रैक्टरों को। ग्राम बरोद और सिरसी के माध्यम में 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं, जिसमें 3 बजरी के और 1 मिट्टी का ट्रैक्टर है। इसके अलावा कामपेड़ा की पठार से अवैध उत्खनन करते हुए और 1 डंपर की जब्ती की गई है। सभी को थाने में खड़ा कराया गया है और प्रकरण अग्रिम कार्रवाई के लिए जिला कार्यालय भेजा गया है। डीजी आना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।